गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे लाडले बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप लोग को कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी। आज मैं आप लोगों को मकर संक्रांति पर्व पर कुछ बताना चाहूँगी, अपनी जानकारी के अनुसार, जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग। तो भारतीयों का प्रमुख पर्व मकर संक्रांति अलग अलग राज्यों, शहरों, गांवों में वहाँ की परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है। इस दिन से अलग अलग राज्यों में गंगा नदी किनारे माघ मेला या गंगा मेला स्नान का आयोजन किया जाता है। कुंभ के पहले स्नान की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। मकर संक्रांति त्यौहार विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि भाई मैं तो खुद ही उत्तर प्रदेश की हूँ, तो सबसे पहले अपने से क्यों ना शुरुआत की जाए। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व कहा जाता है और सूर्य की पूजा की जाती है। चावल और दाल की खिचड़ी खाई जाती है और दान भी दी जाती है। जगह जगह पर भंडारे लगते हैं, आयोजन किया जाता है, जिसमें खिचड़ी पका करके दोनों में दान की जाती, जो भी आए चाहे खाए और खाकर चला जाए। उसके बाद आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति के नाम से जाना जाता है, और जो कि 3 दिन का पर्व होता है, ये 3 दिन तक मनाई जाती है वहाँ पर। उसके बाद तमिलनाडु में किसानों का ये प्रमुख पर्व पोंगल के नाम से जाना जाता है। घी में दाल चावल की खिचड़ी पकाई जाती है और खिलाई जाती है। इसमें ये गुड़ डाल के मीठा चावल भी बनाते हैं, जिसे ये पोंगल कहते हैं। तो इनका ये मकर संक्रांति का त्यौहार 3 दिन तक यहाँ भी चलता है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जैसे ही हमारे नाम में आता है, हमें तुरंत अरुण की याद आती है। अपने चैनल पर बच्चा है अरुण, महाराष्ट्र का है वो, उसने लिखा था, माता जी हमारे यहाँ तरोई को दौड़का कहते हैं। तो जितनी बार मैं तरोई देखती हूँ, मुझे अरुण की याद आ जाती है। और अरुण की भाई बहुत ही सकारात्मक सोच है, बहुत ही अच्छे विचार रहते हैं, बहुत ही अच्छे कमेंट्स वो करते हैं। अरुण की तो भाई मैं बहुत आभारी हूँ। तो चलते हैं अरुण के शहर, अरुण के देश महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में लोग गचक और तिल के लड्डू खाते हैं और एक दूसरे को भेंट देकर शुभकामनाएं देते हैं। उसके बाद आते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर गंगा सागर में ये इसका आयोजन किया जाता है, खिचड़ी मेला गंगा किनारे मनाते हैं। फिर उसके बाद आसाम में भोगली बिहू के नाम से इस पर्व को जाना जाता है। और पंजाब में एक दिन पहले लोहड़ी पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है। धूमधाम के साथ समारोह का आयोजन किया जाता है। तो लोहड़ी में क्या करते हैं, शाम को लकड़ियाँ इकट्ठी करके जलाते हैं और उसमें मूंगफली, मकई का लावा, रेवड़ी, इन तीनों को आग में डालते हैं और आग के चारों तरफ गोल गोल चक्कर काटते हैं। जैसे ईद में बच्चे अपने से बड़ों से ईदी मांगते हैं ना, वैसे पंजाब में लोहड़ी मांगी जाती है, माई मैंने लोहड़ी दे। ठीक, तो इसमें ये एक दूसरे को मूंगफली, गचक, रेवड़ी, मकई का लावा, ये सब खाते हैं और खिलाते हैं। और जिनकी पहली लोहड़ी होती, चाहे पहला बच्चा हुआ हो, नवजात शिशु, या फिर नवदंपत्ति जिसकी नई शादी हो, तो वहाँ ये बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, फ्रेंड्स को बुलाते हैं और सबका खाना पीना कराते हैं, फिर बैठ के आग तापते हैं। अब बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मकर संक्रांति होती क्या है। बेटा, मेरे साथियों, सूर्य के एक राशि से दूसरे राशि में जाने को ही संक्रांति कहते हैं। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति के बीच का समय ही सौर मास है। वैसे तो सूर्य संक्रांति 12 है, लेकिन इनमें से 4 संक्रांति महत्वपूर्ण है, जिनमें मेष, कर्क और तुला और मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त में स्नान, दान और पुण्य के शुभ समय का विशेष महत्व होता है। तो इस पर्व को बहुत
महत्व दिया जाता है। एक दूसरे को दान देते हैं, अपने घर बुला करके खिचड़ी का भोजन कराते हैं। और उत्तर प्रदेश वगैरह में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी बहन बेटियों को बुलाते हैं, अपने मान ब्राह्मणों को बुलाते हैं जो उनसे उच्च होते हैं। जैसे बहन है तो जीजा को बुला लिया, अपने घर के दामाद को बुला लिया, उन्हें खिचड़ी खिलाया और जो कुछ हो सका दान दक्षिणा भी दी, कपड़े वगैरह भी दिए। तो भाई सबको मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। और कहते हैं आज के दिन मकर संक्रांति के दिन से ही अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाती है। तो सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। हम सभी कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। सबको भाई टाटा बाय बाय।